मेरे साथ है एक ऐसी प्यारी सी बच्ची जिन्होंने कुल्फी खाकर बहुत सारे बाजे बजाए और इसके बाद में उन्होंने रियलिटी शोज में बहुत सारे देश के बच्चों का हौसला बढ़ाया। तो मेरे साथ है आकृति शर्मा, यानी हमारी कुल्फी जो अब कुल्फी नहीं रही बल्कि बन गई है गंगा, पापनाशिनी गंगा। आकृति का नया शो आ चुका है इशारा चैनल पर। तो अब हम पूछते हैं आकृति से कि गंगा बनकर अब ये किस किस को आशीर्वाद दे रही हैं। तो आकृति, गंगा का कैरेक्टर जो है, यू नो, हमने मतलब आई थिंक सबसे ज़्यादा सीरियस गंगा पे बने हैं क्योंकि हमारे देश की संस्कृति के साथ जुड़ी है गंगा मैया। तो ये नन्ही सी गंगा बनकर जब कैरेक्टर मिला तो मतलब क्या, कितना जानती थी गंगा के बारे में? जब मैं गई हमारे लुक टेस्ट के लिए तो इतने सारे कपड़े थे, इतनी सारी ज्वेलरीज थी, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी वो देखकर, लाइक द क्राउन एंड ऑल ऑफ द ज्वेलरीज। सबसे पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हुई और खुश भी हुई बिकॉज मैं प्रिंसेसेस के, यू नो, कार्टून्स देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आई लव द वे दे टॉक, द वे दे बिहेव, वो सब मुझे बहुत पसंद है। और फेवरेट कार्टून है डोरेमोन, डोरेमोन तो देखती हूँ मैं थोड़ा बहुत, बट ज़्यादा मुझे प्रिंसेसेस का पसंद है, यूनिकॉर्न्स का पसंद है जैसा मैंने कहा। और मुझे चाहिए था प्रिंसेस का रोल, एंड गेस व्हाट, मुझे मिल गया गंगा का। ये बताओ, आपको तैयार होने में आई एम श्योर बहुत मेहनत लगती है, इतनी सारी कॉस्ट्यूम, तो कितना टाइम लगता है? तैयार होने में हमें लगते हैं 40 मिनट्स, बट अगर लाइक बहुत ज़्यादा हम रश में हो तो 30 मिनट्स में भी हो सकते हैं हम रेडी। ये बताओ कि जब, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है काफ़ी कुछ आई थिंक एक्शन भरा रोल है, आपको हाथ में से पानी बह रहा है, कभी पहाड़ पीछे चल रहे हैं, तो थोड़ा फिजिकली चैलेंजिंग होता है, आप कभी लटक रहे हो हवा में, तो शूटिंग पर क्या क्या होता है सेट पर? चैलेंजिंग तो ये कैरेक्टर बहुत है क्योंकि आई थिंक ये कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, एंड मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं अपना 100% दूँ और इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से मैं रोल प्ले कर सकूँ ताकि सबको भी बहुत अच्छा लगे। आपने अभी बैक टू बैक कुल्फी ख़त्म हुआ, फिर आपने स्टार प्लस का रियलिटी शो किया, तो बीच में मतलब कैसे, यू नो, वक्त मिला कि नहीं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, और लॉकडाउन के दौरान क्या क्या किया, तो कुल्फी बंद होने के बाद कैसा रहा तुम्हारा सफ़र? एज एवरीवन नो कि जब कुल्फी का एंड हो गया तो लॉकडाउन हो गया था, सो तब तो लाइक मैंने वो चीज़ें करी जो मैं शूटिंग के दौरान नहीं कर पाती थी, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करा, फ्रेंड्स से तो एक्चुअली वीडियो कॉल पर ही करा टाइम स्पेंड, और ऐसे ही, और अपनी फैमिली के साथ मैंने टाइम स्पेंड करा, उनके साथ मैंने थोड़ी बहुत बोर्ड गेम्स खेले, लाइक शोज़ देखे, कार्टून्स देखे, और वो चीज़ें करी जो मैं शूटिंग के दौरान नहीं कर सकती थी। उसके बाद वो जो स्टार प्लस का रियलिटी शो, वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लाइक अब तक मैंने जितने भी शोज़ करे हैं उन सभी में अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है, लाइक एज अ होस्ट वो भी एकदम अलग एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम था मेरा, और लाइक सभी कैरेक्टर्स मुझे बहुत अलग लगे हैं और बहुत मज़ा आया सबको करने में। कहीं ना कहीं आपकी आकृति जब आपको मिलते हैं, अभी भी लोग आई एम श्योर कुल्फी के नाम से आते होंगे, तो बच्चे आते हैं ऑटोग्राफ लेने, लोग आते हैं कि अरे कुल्फी कुल्फी, तो कुल्फी ने कितनी आपकी लाइफ बदली? बदली तो एक्चुअली बहुत है, मेरा फर्स्ट शो था कुल्फी कुमार बाजे वाला, और लाइक स्कूल में भी सब मुझे कुल्फी कुल्फी बुलाते हैं, सिर्फ जो हमारी टीचर है वही आकृति बोलकर बुलाती है, बाकी सब कुल्फी बुलाते हैं, लाइक सोसाइटी में भी कुल्फी कुल्फी बोलते हैं, और सब मुझे बहुत प्यार देते हैं, आई होप कि ऐसे ही मुझे प्यार देते रहेंगे, और जैसे कुल्फी को दिया था पापनाशिनी गंगा को भी देंगे। गंगा की शूटिंग तो होती है नायगांव में, आपका सेट है, तो इस बीच में पढ़ाई तो अब ऑनलाइन हो रही है, तो क्या आपके लिए थोड़ा आसान हो गया कि अब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो कैसे मैनेज कर रही हैं नई जो पढ़ाई का जो तरीका, और साथ में गंगा पापनाशिनी गंगा की शूटिंग कैसे, यू नो, वीडियो कॉल पर सब होता है, कैसे होता है आपकी? लाइक आसान तो थोड़ा सा हो गया है, बट चैलेंजिंग अभी भी है कि लाइक शूट के बीच में टाइम मिलता है तो मैं ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ, या कभी, यू नो, किसी और का सीन चल रहा है, मेरा सीन नहीं है तो मैं रूम में बैठकर पढ़ाई कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, और मस्ती भी करती हूँ। कोई और इच्छा रह गई है अभी कोई, मतलब अभी काफ़ी कुछ टाइम है, आप कोई ऐसे हॉलीडे पे जाना चाहती हैं मम्मी पापा से, कोई आपने ऐसा कुछ इच्छा रह गई है जो आप करना चाहती हैं, डिज्नीलैंड देखना है या कुछ है, तो वॉट इज़ योर ड्रीम यू वॉन्ट टू डू, मे बी अगर वक्त मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? डिज्नीलैंड आपने कहा, फॉर श्योर, आइडिया फॉर श्योर डिज्नीलैंड, तो लाइक आई लव ऑल द डिज्नी कैरेक्टर्स, और लाइक मैंने एक डिज्नी कैरेक्टर के लिए डब भी करा था फॉर यंग एल्सा, और मुझे बहुत मज़ा आया था। ऑल द बेस्ट, इसी तरह आप मनोरंजन करते रहें, पहले कुल्फी और अब पापनाशिनी गंगा बनकर व्यूअर्स का मनोरंजन करें, ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू।
क्या कहेंगे अपने फैंस को जाते जाते? अपने फैंस को मैं जाते जाते बस यही कहूँगी कि ये जो मेरा कैरेक्टर है गंगा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे सीन्स होते हैं पहाड़ चढ़ने के, लाइक सबको सबका कल्याण करने के, और लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने में, लाइक मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है शूट में, और बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स है। सो आई होप कि आप मिस नहीं करेंगे, हमारा शो हो चुका है लॉन्च, एंड आई होप कि आप सभी उसे बहुत प्यार देंगे। थैंक यू।